अभी हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लग सकता है, लेकिन जनरली आंसर देना सबको कि जो मेरे प्रभु जी हैं, अनर्पित कृपामयी मेरे प्रभु जी का नाम है, तो मेरे मम्मी पापा के उनके तो दामाद ही लगे। तो आपकी जब फर्स्ट मीटिंग हुई मेरे प्रभु जी के साथ, तो आपने क्या देख करके मेरा मैरिज मतलब उनसे वो कर दिया, फिक्स कर दिया? क्या मतलब क्वालिटी देखा आपने उनके अंदर कि ठीक है अपनी बेटी का हाथ आप दे सकते हो, इस तरह से क्या क्वालिटी दिखी आपको? हाँ, मैंने पहले ये देखी कि ये भक्ति भाव में है, तो मैंने इनसे यही पूछा। मैं कहा बेटा तुम जो ऐसे मंदिर जाते हो, स्कूल जाते हो, वो क्या होता है, क्या है वहाँ, आप मुझे बताओ। वो मुझे लेकर गया, कहते डैडी ये स्कूल मंदिर है, यहाँ करते हैं। वहाँ मैंने देखा, वहाँ का वातावरण देख कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा जो भक्ति भाव के अंदर जो इंसान होता है वो कभी भी किसी जगह चूक नहीं कर सकता, उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है, क्योंकि प्रभु की कृपा से सभी काम संपन्न होते हैं। कहते हैं ना जो ये जाप करते हैं, कलयुग में कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है, कहते हैं कलयुग एक ही नाम आधारा, जपत जपत जो उतरे ही पारा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरा आशीर्वाद इन बच्चों के लिए रहा कि मेरे बच्चे आगे कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, और ये भक्ति भाव में अपने परिवार को लेकर चलेंगे। ये मेरे को इससे ज़्यादा बहुत मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए मैंने उसके लिए अपनी स्वीकृति दी है। मतलब तो भक्त थे इसलिए मेरे पापा रेडी हो गए कि ठीक है। और मम्मी आपको, आप बताओ। मेरे को मतलब कि मैंने ये जब इन्होंने मेरे से बात करी कि मैं देखते हैं इस मतलब भक्ति में भी आया, तो फिर उसका मतलब पोस्ट भी इनकी सही थी, अनिल की मैकेनिकल इंजीनियर थी, और अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा बच्चा पढ़ा लिखा भी है बहुत, और अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, और भक्ति में भी है, कोई ऐप तो नहीं करेगा जिंदगी में, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे को करना तो इसी के साथ ही करना है उसका। अच्छा है लड़का, बाकी बहुत अच्छा लगता था, जैसे मतलब कि बातचीत करने में भी बहुत अच्छा है, और समझता भी पेरेंट्स की तरह समझता हमें, कभी कुछ मतलब दुख सुख में बहुत साथ देता है हम लोगों का, जैसे कि अपना बेटा ही देता है। बाकी यही देख के हमने कहा कि ठीक है आगे चल के कोई जैसे ऐप करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल फेमिनिस्ट में ज़्यादा हो रहा है, मतलब भगवान की तरफ कम है, पर इतना मतलब अप्रिशिएट करता है सबको कि मतलब डिवोटीज को, और मतलब बहुत अच्छा लगा फिर हमने रिश्ता तय कर दिया था। हाँ, हरे कृष्ण। आप मेरी दीदी बताएंगी कि क्या अच्छा लगा आपको उनमें? जब मुझे पता चला कि सिस्टर का रिश्ता है, तो मैंने कहा कि आप देखो मम्मी पापा तो हैं, कितनी मम्मी पापा रहते हैं, लड़का तो ठीक है, भक्ति में है। मैं कहा और इससे अच्छा क्या होगा, ऐसे दूसरे लोगों पे विश्वास ही नहीं किया जाता भक्ति वाले लोगों पे, ये तो है कि कम से कम भक्ति कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं करेंगे, कितना तो विश्वास है ऐसे। इसीलिए मैं आपको फोन करके हमने कहा रिश्ता कर दो आप, ठीक है सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा करते करते सही सब ठीक ठाक हो रहा है, उसकी कृपा ही रहेगी। तो इसमें मैं अपनी तरफ से कोई आप देख रही हूँ, मैं कुछ भी आंसर नहीं दे रही हूँ। मेरी सिस्टर, मेरे फादर, मतलब जो उनका व्यू एज इट इज़, मतलब मैंने लिख लिया क्वेश्चन, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के, है ना? फोर्थ क्वेश्चन है कि पापा मेरे चैनल है, आपको पता है, सबको पता है, सभी देख रहे हैं सिंपली एंड ब्लिसफुल। तो जब चैनल ओपन मैंने किया था ना, ये तो ओपन करने के साथ मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे कि एज ए डिवोटी आप इस तरह से कर रहे हो, बहुत अच्छा है, नया है, आप करिए। और काफ़ी सारे नेगेटिव भी आए थे कि ये सब चैनल कौन देखता है, या फिर गड़ी होते हैं, आपको पता ही है इस तरह से नेगेटिव कुछ आते हैं। तो मेरे फादर का क्या रिस्पॉन्स था मैं भी बताऊंगी आपको, पर मैं अभी आपको पापा से ही बात करवाती कि मेरे जो पापा का क्या व्यू है कि मेरा चैनल है, और भगवान की कृपा से है, शिला प्रपा जी की कृपा से है, मेरे मम्मी पापा और मेरे सिस्टर को कैसा लगता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि
जो कि फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस चैनल है। तो शुरू कैसे करेंगे आप बोलोगे? मैंने पहले जब पता हमें पता लगा कि यूट्यूब चैनल बनाया है और जब मैंने पहली बार देखा कि मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि यूट्यूब चैनल में क्या होता है क्या नहीं होता है, जब मैंने ये वीडियोस वगैरह देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और लोगों के जब उसके अंदर व्यूज़ आना शुरू हुए तो वो और ही इतना मैं इम्प्रेस हुआ कि वाकई ये लोगों के अंदर एक अच्छी जन जागृति हो रही है प्रभु के प्रति और ये एक अच्छा लगा। आज दिन ब दिन मैं इतना उसके अंदर उससे प्रभावित हुआ हूँ, मैं हर वक्त देखता रहता हूँ, कोई वीडियो मिस नहीं करता और उसके अंदर इतना इंटरेस्ट लेता हूँ। आप लोग भी बड़ा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और आप लोग बड़ा ही साथ देते हैं, बड़ा हौसला अफजाई करते हैं हमारी बेटी का और यही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं पढ़ता हूँ, व्यूज़ पढ़ता हूँ, सबों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मेरे को बड़ी खुशी होती है। और भाई आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग ब्लेसिंग बनाए रखिए। सक्सेस और ब्लेसिंग का मतलब यही होता है कि सक्सेस हो तभी होगी ना जब आप ब्लेसिंग देंगे और यही आपका आशीर्वाद बना रहे। इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप इसको हौसला अफजाई कीजिए, ये आपके थ्रू ही सब होगा। यस पापा, सब सुन रहे हैं ना, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, कमेंट भी करना है। मेरे पापा सबके कमेंट पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, पर मेरे पापा पूरा मुझे फिर जैसे मेरे से बात करते हैं, अच्छा ये कमेंट आया था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे पापा मुझे भेजते भी हैं। तो थैंक यू पापा, थैंक यू बेटा। मम्मी आपको कैसा लगता है हमारा एक यूट्यूब चैनल है वो भी फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस है, मैं बिल्कुल, आपको कैसा लगता है? पहले मोबाइल में दूसरा चैनल देखते थे जैसे कोई भी मतलब, तो जब अचानक से इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो आया तो मैं हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गई और मतलब कि मतलब इतना नॉलेज नहीं थी ना कि ये भी बनाते हैं, वैसे बोलती थी मम्मी मैं बनाऊँगी बनाऊँगी। इसने जब अचानक से डाला तो हमने बोला कि अंजना का तो यूट्यूब चैनल आ गया और हम इतने अप्रिशिएट हुए कि हम तो मतलब जैसे जाते थे कितने व्यूज हो गए हैं ऐसे करते थे। मैं इनको पूछती थी मतलब कि इसके पापा को कितने हुए हैं, काम करते करते कितने हुए हैं, तो आप लोग बहुत स्नेह देते हैं इसको, मतलब आपकी तरफ से तो कोई वो नहीं है। बाकी हमें भी बहुत अच्छा लगा इसने, मतलब कि हमारे किसी ने भी मतलब यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। मेरा बेटा वैसे एडिटिंग वगैरह करता है अब, पर चैनल अभी नहीं बनाया उसने, और जो भाई बहन मिल के थोड़ा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप इनको सक्सेस दीजिएगा, इनको बढ़ाइएगा और हरे कृष्णा। होता है मम्मी पापा को होता है कि अच्छा स्टार्ट हुआ है, व्यूज़ ऐसे जा रहे हैं, पापा बहुत खुश होते हैं। किसी किसी वीडियोस के लाइक्स में भी चले गए हैं, काफ़ी अप्रिशिएशन करा है, वायरल हो जाती है ना वीडियो तो मेरे पापा बहुत खुश हुए। एक वो 3 AM वाली जो वीडियो है ना मेरी, 3 बजे वाली वीडियो, उससे पहले भी थाली वाली जो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि सब चीज़ें कृष्णा कॉन्शियस एक्चुअल में हमारी ना, तो वो मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। तो एक्चुअल में जैसे बोल रहे हैं आपकी वजह से ये चैनल है, अगर कोई व्यू ही नहीं करेगा तो फिर चैनल का कोई मतलब नहीं है। तो यस आप बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट बढ़ाते जाइए और ये फैमिली और बड़ी होती जाए, सब्सक्राइबर और बढ़ते जाएं, ताकि ये फैमिली और बड़ी होती जाए और सेवा कर सकें हम। और मेरी सिस्टर से पूछेंगे, मेरी सिस्टर भी मेरा चैनल का कोई वीडियो नहीं छोड़ती हैं, मेरी सिस्टर पंजाब में रहती हैं तो वहीं से वो पूरा अच्छे से देखते हैं। बहन आपको कैसा लगता है मेरा चैनल है? बच्चों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि हम भी इसी लाइन में जाएं, हम भी इसी ट्रैक के आगे बढ़े और भक्ति की लाइन में ही जहाँ जाइए। बाकी बातें तो ऐसी हैं, दुनियादारी की बिल्कुल सही बात है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर को? कमेंट करो, शेयर करो, कुछ बोलो, क्या पता आपको सुन लें। हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। भक्ति है हर एक चीज, इससे शिक्षा मिलती है बच्चों को आगे बढ़ने की, पढ़ने की। आगे बढ़ेंगे बच्चे जब उनको किसी राह में लाया जाएगा, अच्छी राह में लगेंगे तो बच्चे अच्छी
प्रोग्रेस के लिए भक्ति में जाना बहुत जरूरी है, माला के लिए थैंक यू। और एक बहुत काफ़ी सारे डिवोटीज ने देख भी लिया होगा, वो जो एक हरे कृष्णा टीवी पे मेरा एक इंटरव्यू आया था, तो मेरे मम्मी पापा को कैसा लगा था जब मेरा इंटरव्यू हरे कृष्णा टीवी पे आया था, क्योंकि